बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात हफ्तुम के उर्दू के दूसरे तदरीसी सबक के खाके के साथ मैं आपकी टीचर हाजिर हूँ। आइए आज हम अपने दूसरे लेसन की जानिब चलते हैं। प्यारे बच्चों, उर्दू ज़बान तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, हम जो ज़बान पढ़ते हैं, सीखते हैं, सबसे पहले तो उसका बुनियादी मकसद उस ज़बान को जानना, बोलना, सीखना, पढ़ना और लिखने की सलाहियत को उजागर करना हमारा बुनियादी मकसद होता है। आज हम आपसे जिन खतूत पे बात करेंगे, जिन नुकात पे बात करेंगे, वो उर्दू के कवायद हैं। या आम मायनों में आप ये कहिए कि उर्दू इंशा परदाजी, इंशा परदाजी है क्या? इंशा परदाजी दरअसल लिखने की सलाहियत को कहते हैं। इंसान जो कुछ सोचता है, समझता है, जानता है और जो उसके ख्यालात और नज़रियात होते हैं, उनको वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्फाज का सहारा लेता है। अब इन अल्फाज को वो ज़बान से अदा करता है तो बातचीत कहलाती है, लेकिन जब वो लिख कर इन ख्यालात का इजहार या अपने ख्यालात और नज़रियात दूसरों तक पहुंचाता है तो वो इंशा परदाजी कहलाती है। वैसे तो इंशा परदाजी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारा आज का जो ख़ास मज़मून है वो कायद से ताल्लुक़ रखता है और इस कायदे को हमने सीखना है कि हम एक मरासला निगारी किस तरह कर सकते हैं। मरासला कहते हैं भेजना, तहरीर, कोई पर्चा कहीं भेजना। अब उसकी कई शक्लें होती हैं, वो ख़त की शक्ल में भी होता है, वो तारीफ़ी ख़त की शक्ल में भी होता है, शिकायती ख़त की शक्ल में भी होता है, जिसे हम आम फहम ज़बान में दरख्वास्त भी कहते हैं। तो बात को मुख्तसर करते हैं, आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वो है आपके सिलेबस का, आपके निसाब का हिस्सा, दरख्वास्त निगारी। अब दरख्वास्त निगारी में बुनियादी बातें जो होती हैं, उसका कायदा जो होता है दरख्वास्त को, एक अच्छी दरख्वास्त को, एक तालिब इल्म की हैसियत से जब आप दरख्वास्त निगारी करते हैं तो उनमें उस दरख्वास्त निगारी में हम किन नुकात को पेश नज़र रखते हैं, यहाँ हम आपको सिखाएंगे बेटा। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप इन नुकात को सीख के, समझ के, अच्छी तरह से एक बेहतरीन दरख्वास्त तहरीर कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमने आपके दरख्वास्त निगारी से मुतालिक एक सवाल लिखा है। सवाल है, अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त तहरीर कीजिए जिसमें एक यौम की रुख्सत की दरख्वास्त की गई हो। अब ये जो आपको मैंने सवाल लिख के दिया है, ये दरअसल मॉडल है और इस मॉडल सवाल का हम जवाब लिखेंगे और आपको मॉडल या नमूना या पैटर्न बताएंगे कि एक दरख्वास्त सवाल से मुतालिक जवाब की सूरत में स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी और पेन को संभालिए, नोटबुक को संभालिए और इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में याद दहानी के तौर पे लिखते चले जाएं, ताकि जब आपको होमवर्क दिया जाए, तफवीज़ कार दिया जाए, तो आपको पता हो कि उस सवाल का जवाब आपने किस तरह तहरीर करना है। ठीक है, ओके बेटा। तो अब आप यहाँ देखिए, पैटर्न मैंने लिखा है। सबसे पहले हम जब अपनी बात दरख्वास्त में शुरू करते हैं तो दरख्वास्त के सवाल को देखा जाता है कि हमसे किसके नाम दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया है। तो यकीनन हमसे प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया था, लिहाजा हमने यहाँ उनको मुखातिब करना है। बाख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, क्योंकि हमने मुखातिब किया है, पुकारा है, आवाज़ दी है, लिहाजा हमने यहाँ हुर्फ़ निदा लगाना है। उसके बाद यहाँ आता है स्कूल का एड्रेस।
अब चूंकि आप सेकेंडरी क्लासेस में आ गए हैं और ये बात हम आपको जमात शशुम में भी बता चुके हैं कि अब जब आप सेकेंडरी में आ जाते हैं तो हम मैट्रिक के पैटर्न के तहत अपने काम को सीखना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लिखा अलिफ बे जीम स्कूल, यानी हमने अपने स्कूल मेट्रोपॉलिटन का नाम नहीं लिखा, हमने लिखा अलिफ बे जीम स्कूल, राइट। इसलिए कि आप आदि होंगे तो जब नाइन्थ और टेंथ में आप जाएंगे मैट्रिक क्लासेस में और अपने मजमून लिखना शुरू करेंगे तो अब आपकी यहाँ पर उन क्लासेस के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। अब एड्रेस लिखा जाता है दो लाइंस में, जैसे अलिफ बे जीम स्कूल कॉमा। अब आप यहाँ ज़रा सा नोट कीजिएगा, ये कॉमा जो बना है ये उर्दू का ख़ास कॉमा है, वरना इंग्लिश का कॉमा भी होता है बेटा, जो कि इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए तो वो इंग्लिश का कॉमा कहलाता है। हम उर्दू का कॉमा कैसा बनाते हैं, जैसे सिक्स लिखाओ, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा कराची और फुल स्टॉप। अब आ जाइए, जब हम मुखातिब कर चुके तो हमने जो अदब का तकाजा है, जो कायदा है, उसको इस्तेमाल करना है, और कायदा ये है जनाब आली। यकीनन हमारे काबिल एहतराम शख्सियत हैं और हम जिनको भी दरख्वास्त लिखते हैं तो हमारा अंदाज ऐसा होता है कि शुरू में ही बात सुनने वाला, बात को समझने वाला या दरख्वास्त को पढ़ने वाला आपसे मुतासिर होना शुरू हो जाए, लिहाजा हमने इनको मुखातिब किया जनाब आली। अब अमूमन हम जब किसी को मुखातिब करते हैं तो सलाम या इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं खैरियत के, लेकिन हम दरख्वास्त में नहीं करते। अगर आप कर लेंगे तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन कायदा नहीं है। लिहाजा आपने यहाँ मुखातिब किया, दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल साहब लिखा जनाब आली, और उसके बाद हमने अपनी बात डायरेक्ट शुरू करनी है, हमने यहाँ ना खैरियत बतानी है ख़त की तरह ना खैरियत। अब हमारा असल नफ्स मज़मून जो कि दरख्वास्त की सूरत में है, जो कि सवाल पूछा गया था कि हमने रुख्सत की, रुख्सत यानी छुट्टी की दरख्वास्त, तो हमने एक यौम की रुख्सत की दरख्वास्त की है प्रिंसिपल साहब से। गुजारिश ये है कि फिदवी, फिदवी कहते हैं बेटा जब हम किसी को कोई दरख्वास्त लिखते हैं तो अपने आप को बजाय नाम लिखने के हम फिदवी कह के पहचान करवाते हैं। गुजारिश ये है कि फिदवी जो कि आपके आपके स्कूल की जमात, जो भी आपकी जमात है, वो लिखेंगे आप फला जमात में पढ़ता या पढ़ती हूँ, अगर बॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो पढ़ता लिखेंगे बेटा, और अगर गर्ल्स काम कर रही हैं तो वो पढ़ती लिखेंगे। उसके बाद आपने जो भी प्रिंसिपल साहब को बताना है कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या अपने एक ज़रूरी काम की वजह से कल स्कूल आने से कासिर हूँ, या बवजह अलालत भी आप लिख सकते हैं, तो ये आप पे मुनहसिर है कि आप एक दिन की रुख्सत की दरख्वास्त लिख क्यों रहे हैं। आपको सवाल में नहीं पूछा गया कि आप इस वजह से रुख्सत ले रहे हैं, आपको कहा गया है एक यौम की रुख्सत की दरख्वास्त लिखिए, ठीक है। तो अब आपको तय करना है, आपने उस दरख्वास्त का मैटर यहाँ लिखना है, बवजह फला मुझे एक यौम की रुख्सत दरकार है जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, और आखिर में आप आ जाएँ फ़कत दरख्वास्त गुजार। अब फिर जैसा हमने यहाँ अलिफ बे जीम स्कूल लिखा था, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसी तरह यहाँ आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़कत दरख्वास्त गुजार अलिफ बे जीम जमात, जो भी आपका सेक्शन है, हफ्तुम रेड है, वॉयलेट है, इंडिगो है, आप यहाँ लिख दें। उसके साथ ही एक अहम बात आपको दरख्वास्त में ख्याल रखना होता है और अहमियत होती है तारीख की, कि जब आप यहाँ फ़कत लिखते हैं उल्टे हाथ पे तो आपको सीधे हाथ पे बतारीख 16 जुलाई 2020 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप जब दरख्वास्त लिखेंगे, वो दरख्वास्त जो मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगी, तो आप उस तारीख को यहाँ लिखेंगे बेटा जिस तारीख को आप बैठ के काम कर रहे होंगे। तो ये नमूना है दरख्वास्त, मॉडल दरख्वास्त की आपके अच्छी तरह मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आपको इसको सिर्फ समझना है और पॉइंट को नोट करना है, बाकी आपको होमवर्क जो है वो मैं अभी बताती हूँ। तो बेटा अब तफवीज़ कार, पिछले लेसन में भी आपको बताया था तफवीज़ कार का मतलब घर का काम है, जो मैं आपको दे रही हूँ सवाल कॉपीज़ में करने के लिए, दरख्वास्त ही है। सवाल है बिजली के महकमे के आला अफसर के नाम
एक दरख्वास्त तहरीर कीजिए जिसमें उनसे बरकी रौ की बार बार मौतली की शिकायत कीजिए। अब परेशान नहीं होइएगा आप इसमें, क्यों? क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हो। मिसाल के तौर पे बरकी रौ किसको कहते हैं बेटा? बरकी रौ कहते हैं बिजली को, बिजली जो कि इलेक्ट्रिक से हमारी ट्यूबलाइट और पंखे और हमारे पास जो बिजली आती है, तो बरकी रौ कहा जाता है बिजली को। मौतली माने बार बार मौतल हो जाना, लोड शेडिंग हो रही है ना आजकल, तो आपने उसकी शिकायत किससे करनी है? बिजली के महकमे के आला अफसर से। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, जहां आपने बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिखा था, अब वहां आप क्या लिखेंगे? बाखिदमत जनाब के इलेक्ट्रिक के आला अफसर के नाम मुखातिब करें उनको, और अब के इलेक्ट्रिक का एड्रेस लिखिए, और उसके बाद आप लिखिए जनाब आली, और शुरू कीजिए नफ़्से मज़मून। नफ़्से मज़मून क्या है? बरकी रौ की मौतली। अब आप कौन हैं? आप हैं स्टूडेंट्स, तुलबा, तो आपको बिजली के जाने से क्या नुकसान होते हैं, है ना? आपकी पढ़ाई का हर्ज होता है। आप गर्म मौसम की वजह से परेशान हैं, अगर तो गर्मी इस कदर पड़ रही है और बिजली के जाने की वजह से क्या होता है कि आप सुकून के साथ अपनी तालीमी सिलसिले को बहाल नहीं रख सकते। अब आजकल जो हम इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में कि स्कूल्स बंद, तालीमी इदारे बंद हैं तमाम, और हम इस तरह आपसे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए मुखातिब हैं और हमारे तालीम का सिलसिला जारी है, तो आप इस दरख्वास्त में ये पॉइंट उठा सकते हैं कि बिजली की गैर ऐलानिया या बार बार मौतली की सूरत में क्या हो रहा है? आपकी तालीम का नुकसान हो रहा है, हर्ज हो रहा है, और आप अपनी तालीम के सिलसिले को बेहतरी के साथ या आसानी के साथ बहाल रखने से काफिर हो रहे हैं। ठीक है, अब आप उनको ये शिकायत कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, दरख्वास्त में अपनी बात पहुंचाते हैं, और उसके बाद आला जो भी अफसर होते हैं या जिनके नाम भी दरख्वास्त लिखी जाती है, वो उस पर एक्शन लेते हैं, वो हमारी शिकायत का अजाला करते हैं। तो हमारे कहने से फौरन बिजली तो नहीं आएगी, लेकिन हमारी बात वहाँ पहुँचेगी। इसी तरह जब एक इलाके से बहुत सारी दरख्वास्त मौसूल होती हैं, तो फिर वो लोड शेडिंग के टाइम को चेंज करते हैं। खाली दरख्वास्त लिखी नहीं जाती है, दरख्वास्त पे अमल दरामद होता है बेटा। आप अपनी बात पहुँचाते हैं, लोगों की बात उन अफसरान उन महकमों तक पहुँचती है, और हमारी परेशानियों के, हमारी प्रॉब्लम्स के अजाले होते हैं, हल निकलते हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह जो मैंने पैटर्न बताया है, वहाँ चेंजिंग क्या होगी, जो आपका मुखातिब, जो लकब होगा बिजली के महकमे की जानिब, आपकी दरख्वास्त का मतन जाएगा। फिर नफ़्से मज़मून आपका ये है कि बरकी रौ के मौतली हो रही है और आपको क्या नुकसान हो रहा है, और आखिर में एक लाइन नीचे आप दरख्वास्त लिखेंगे कि बराहे करम हमारे इलाके की बिजली के या बरकी रौ के बार बार मौतल होने के मसले की तरफ फौरी तवज्जो की जाए, ताकि हम तालिबिल अपने वक्त का फ़ायदा उठा सकें। अब चूंकि आप प्रिंसिपल के नाम तो नहीं लिख रहे ना, तो आप जब फ़कत दरख्वास्त गुजार लिखेंगे तो वहाँ पर आप अपनी जमात नहीं लिखेंगे, बल्कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का नाम लिखेंगे। अब इलाके का नाम भी नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हम सेकेंडरी में हैं अब, तो हमें वहाँ पर भी क्या लिखना है? फ़कत दरख्वास्त गुजार इलाका मकीन अलिफ बेजी। फिर सीधे हाथ पे क्या लिखेंगे बेटा? बतारीख, जिस तारीख को आप ये होमवर्क करेंगे उस दिन की जो तारीख होगी आप वो डाल दें, उर्दू में डालिएगा तारीख, ताकि आपको तारीख डालना आए। तो ये आपका सवाल है दरख्वास्त निगारी से मुतालिक। मज़ीद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो आप अपनी कॉपी में उसका जवाब तहरीर करेंगे, और जिस तरह पिछले हफ्ते आप लोगों ने अपनी कॉपीज भिजवा के चेक करवाई थी, इन तमाम काम के साथ दूसरे हफ्ते का काम भी आप हमारे पास भेजेंगे। अज़ीज़ तलबा तालबात, आपका होमवर्क यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, वाहिद के जमा बनाने हैं आपको और मुज़क्कर के मौनस बनाने हैं। वाहिद जमा मैं पढ़ देती हूँ, नंबर एक कायदा, नंबर दो हाल, नंबर तीन फेल, फेल से मुराद बेटा काम करना होता है, नंबर चार नहर,
नंबर 5 नूर, जमा आपको खुद लिखने हैं। देखिए मुजक्कर मौनस, नंबर 1 माली, नंबर 2 गुलुकार, नंबर 3 शहजादा, नंबर 4 मुगल, नंबर 5 गवाला। तो ये आपका होमवर्क और ये था आज का आपका तदरीसी सबक। आपने मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से दरख्वास्त निगारी सीखी होगी और दिए गए होमवर्क के मुताबिक आप दरख्वास्त लिखेंगे, वाहिद की जमा बनाएंगे, मुजक्कर के मौनस बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके तीसरे हफ्ते के लेसन के साथ हम हाज़िर होंगे। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।